इजरायली सेना के साथ झड़प में 130 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी जख्मी। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ हुए एक संघर्ष के दौरान 130 से ज्यादा फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए हैं। फिलिस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि नबलस शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित बेटा और बेत दजान गांवों के पास प्रदर्शनकारियों और इजरायली फौज के बीच भीषण झड़पें हुईं। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शिन्हुआ से कहा कि घटना में कम से कम 128 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनमें से 36 इजरायली सैनिकों के जरिए चलाई गई रबर की गोलियों से घायल हुए हैं, जबकि अन्य आंसू गैस की चपेट में आ गए। कलकिनिया में पॉपुलर रेसिस्टेंस के फिलिस्तीनी समन्वयक मुराद इश्तीवी ने शिन्हुआ को बताया कि काफा कदुम गांव में इजरायली सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान रबर की गोलियों से दो और प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने गांवों के बाहरी इलाके में तैनात इजरायली सैनिकों पर पथराव किया और टायर जलाए। चिकित्सकों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार तड़के दक्षिणी वेस्ट बैंक शहर हिब्रोन में एक इजरायली बस्ती के पास एक इजरायली निवासी ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें 3 बच्चों सहित 4 फिलिस्तीनी घायल हो गए। शहर में हर शुक्रवार को इजरायल की समझौता नीति और फिलिस्तीनियों के लिए शहर के केंद्र के बड़े हिस्से को बंद करने के विरोध में साप्ताहिक संघर्ष देखने को मिलता है। गौरतलब है कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजरायल ने फिलिस्तीन के दावे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था और तब से क्षेत्र पर उन्हीं का नियंत्रण है।